आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुनने में अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन ये बात एकदम सही और सटीक है। बताया जा रहा है कि पार्टी खत्म होने के बाद बोनी कपूर और श्रीदेवी ने एक डिनर डेट का प्लान बनाया था। इसी डेट की तैयारी में श्रीदेवी नहाने के लिए बाथरूम गई थी, लेकिन जब वो 15 मिनट तक बाहर नहीं आई तो बोनी अपूर को घबराहट हुई और उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया था। अंदर का नजारा हैरान कर देने वाला था, क्योंकि अंदर श्रीदेवी बेसुध अवस्था में बाथटब में पड़ी हुई थी। उन्हें वहां उस हाल में देखकर बोनी कपूर ने सबसे पहले अपने एक दोस्त को बताया और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां रविवार तड़के 2:30 के आसपास उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। श्रीदेवी के चाहने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तानी एक्टर अदनान ने कहा, श्रीदेवी को किसी भी परिस्थिति में नहीं भुलाया जा सकता। मेरे लिए यह गौरव की बात है कि मैंने श्रीदेवी के स्क्रीन किया है। मुझे इस बात का गहरा दुख है कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहीं। अदनान ने कहा, मैं इस समय दुबई में ही हूं। आखिरी रात को जब मैं बोनी कपूर से मिला तो वे बच्चों की तरह रो रहे थे।